हे एवरीवन, माय सेल्फ एकता एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाय एकता। सो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा होटल रूम टूर, और हम फर्स्ट दिन जहाँ पे उदयपुर में घूमने गए थे वो सब। तो यहाँ पे रूम में एंटर होते ही हमें राइट साइड पे एक वार्डरोब मिलता है, सो मैं उसको शूट करना भूल गई थी। बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें एक फुल साइज़ मिरर मिल रहा है जिसमें हम अच्छे से सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, और आप लोग पीछे देख सकते हो वार्डरोब भी दिख रहा है। और यहाँ पे एक आपको टेबल और सिटिंग एरिया, जैसे अगर आपको सामान या कुछ रखना हो तो आप रख सकते हो, उसके लिए मिलता है। देन ये जो डोर है उसे ओपन करते ही हमें यहाँ पे अंदर ये मिरर वाला बाथरूम मिल रहा है, और वॉशरूम है, और हमें ब्रश या वो सब करने के लिए जो मतलब फैसिलिटीज़ है वो सभी हमें यहाँ पे दी गई थी। सो बहुत ही अच्छी होटल थी और हमें अच्छी लगी। देन डोर क्लोज करते ही हम अंदर आएंगे तो हमें राइट साइड पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई है, अगर हमें चाय या कॉफ़ी कुछ बनाना हो तो। और हमें एक छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ था इन लोगों ने। मैं ये वीडियो स्लो मोशन में इसलिए कर रही हूँ जिससे आप लोगों को सभी चीज़ें दिखे, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में शूट किया था, क्योंकि जब उस जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पे हमें बेड मिलता है, डबल बेड, हमें यहाँ पे एक चेयर सिटिंग के लिए, एक सोफ़ा सिंगल सोफ़ा जैसा, और टेबल भी मिलता है, और टीवी भी मिला था, बट हमने उतना देखा नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पर घूमने गए थे। और ये जो मैंने शूट किया है वो तीसरे या चौथे दिन शूट किया है रूम टूर, बिकॉज़ हम लोग जल्दी जल्दी में जाके कहीं पे घूमने जाना होता था तो सुबह भी उठ जाते थे उसकी वजह से। देन यहाँ पे बालकनी में से जो व्यू है वो मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू है, और बारिश हुई थी उसकी वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल एटमोसफियर हो रखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माउंटेंस दिख रहे हैं। ये जो हमारी होटल थी वो हाईवे पे थी, सिटी में नहीं थी, थोड़ा दूर थी सिटी से। यहाँ पे हमें कांच भी मिला था जिससे हम खिड़की ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ से भी मैंने शूट किया है जिससे आप लोगों को अच्छे से बाहर का नज़ारा दिख सके। आप लोग देख सकते हो। देन आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा रूम यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, और सब लगेज और सब पड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे, और हम शायद ब्रेकफास्ट करके ही लौटे थे और मैंने शूट किया था। यस गाइस, हम लोग जाते पहले दिन जाते ही थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे, और हमने फर्स्ट विजिट किया वहाँ का सिटी पैलेस। हम लोग वो विज़िट करने के लिए गए थे, वहाँ पे टिकट्स और सब थे। अगर एडल्ट्स है तो हमें 300 रुपीज़ पे करने रहते हैं, और अगर हम स्टूडेंट हैं और हम स्टूडेंट पास दिखाते हैं तो वो लोग हमें डिस्काउंट देते हैं, और मे बी 100 रुपीज़ में हमें जाने को मिलता है। यहाँ पे हम अंदर एंटर हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये जो एंट्रेंस है वही, और अंदर से भी बहुत ही अच्छा पैलेस था गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग उदयपुर जाओ तो इसे ज़रूर विज़िट करना। और गाइस, मैंने इसीलिए वॉइस ओवर किया क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी और सब बहुत ही आवाज़ आ रही थी, इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। और आप लोगों को ये जो लेक दिख रहा है वो है पिचोला लेक। वहाँ पे फतेह सागर लेक और पिचोला लेक है जो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे बोटिंग और सब भी होता है। वो तो हमने वहाँ पे नहीं की थी। हम सब यहाँ पे, मैं, जानवी, वंशिका, आशीष, और हम सब यहाँ पे चलते हुए ऊपर जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ये सिटी पैलेस जो है वो बना था करीब 400 साल पहले। यस गाइज, और यहाँ पे अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे चेतक जो घोड़ा था उस पर जो ये लोग चीज़ें रखते थे वो, देन महाराणा प्रताप की कुछ चीज़ें, वो सब आपको अंदर देखने को मिलेगी, मैं सब इसमें इंक्लूड करूँगी। यहाँ पे हम लोग चलते चलते और मस्ती करते हुए ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये निब्बी और ये पटेल। तुमने खबर से हमेशा ना म्यूट तो करी दे से रे भाई, तो ऐड कर से भाई। और यहाँ पे दीपू एंटर होती रही है, ये वो ही, शी इज वेविंग हैंड्स एंड ये दीपू इज हियर। अब मैं अपना खुद का भी
अब फ्रंट कैम नहीं था इनला हाय गाइस चलो ये है हमारे कुमार दिस इज सार्वजनिक कुमार सो यहाँ पे हम अंदर पैलेस में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, आप लोग देख सकते हो, और गेट और सब भी है। सो यहाँ पे अंदर बहुत ही ग्रीनरी थी गाइस, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे आपको चलना बहुत ही पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो ये पैलेस, ये एंट्रेंस। मैंने सब फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि अगर मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं करती तो व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता, सो उसकी वजह से मुझे करना पड़ा। तो हम यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ थी अंदर महल में, और छोटे छोटे रास्ते थे, स्टेप्स थे, और बहुत ही अच्छा था अंदर से पैलेस। सो यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें फर्स्ट जो गणपति बाप्पा है उनका यहाँ पे ये दर्शन हुआ। और देन यहाँ पे जो आप काम देख सकते हो दीवारों पे, कितना सुंदर लग रहा है। और देन हम लोग अंदर पैलेस की ओर चल पा रहे। यहाँ पे भी आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरे महल में ऐसे स्टेप्स और सीढ़ियाँ ही बनी हुई है। सो अंदर आने के बाद कुछ ऐसा दीपू था। से हाय, वंशी से हाय। सो यहाँ पे हम महाराणा प्रताप का जो कक्ष है वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे हमें वो जो तलवार यूज़ करते थे वो, धैन जो तीर और धनुष वो यूज़ करते थे वो देखा। देन यहाँ पे उनका बख्तर भी रखा हुआ है जो वो पहन के युद्ध में जाया करते थे, और उनका एक स्टैचू भी बना हुआ है। इसके बाद हम लोग अगेन वहाँ से दूसरे कमरे में, वहाँ पे एक कमरे में से दूसरे कमरे में, दूसरे में से तीसरे में, ऐसा ही पूरा महल है। और हम आप लोगों को वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि अब आपको किधर जाना है और किधर नहीं। सो आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए, कुछ बताने जैसा होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो वहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरें मिली जिसमें युद्ध कैसे करते थे और क्या सब था। कुछ हिस्ट्रीज थी जो वहाँ पे दिखाई हुई है, आप लोग देख सकते हो, वो सब वहाँ पे फ़ोटोज़ और सब रख रखा था उन लोगों ने। सो हम लोगों ने वो विज़िट किया। सो इस साइड पे इतना ही था। सो यहाँ से उतरने के बाद हमें सामने के साइड पर जाना था जहाँ पर एक मंदिर था, और वहाँ पर भी एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें क्या लिखा है वो आप लोगों को दिख ही जाएगा। सो वहाँ पे हमने कोई भी गाइड नहीं किया था, हम खुद से ही वहाँ पे सब कुछ घूमे हैं। सो यहाँ पे वो तस्वीर है जो मैं बता रही थी। देन यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद हमें एक रूम मिलता है जहाँ पे बीच में आपको पानी दिखेगा, और कहा जाता है कि जो राजा है वो यहाँ पे होली खेला करते थे अपनी रानी के साथ। सो ये वो रूम है। सो ये बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जो ये खिड़कियाँ दिख रही है, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जरूखा बोल सकते हैं मे बी। सो यहाँ से पूरी सिटी आप लोगों को दिखती है, आप लोग देख सकते हो। सो ऐसी दूसरी साइड पे भी है जहाँ पे ऐसा सब हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी ये सब कुछ चीज़ें रखी हुई है जो राजा लोग यूज़ करते थे। सो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्योंकि यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। और आप लोगों को वो फ़ोटो देखनी हो तो आप लोगों को उसके लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, और आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिटी दिख रही है यहाँ से। सो यहाँ पे उससे बाहर निकलते हमें इतना बड़ा एरिया मिलता है जहाँ पे बेंच रखी हुई है बैठने के लिए,
और वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए थे। ये पार्क यहाँ पे मेरे साथ मजाक करते हुए, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो जगह है वहाँ से पूरी सिटी दिख रही है और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है आप लोगों को। सो ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। सो गाइज यहाँ पे जो हम एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जहाँ पे सब लोग खड़े हैं वहाँ पे है राजा और रानी का बेडरूम, जो एक शीश महल है गाइज, और बहुत ही सुंदर था वो। मैं अभी आपको दिखाऊंगी नज़दीक जाके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो राइट साइड में वाइट कलर का दरवाज़ा दिख रहा है वो पूरा हाथी दांत का बना हुआ है। सो ये उनका बेडरूम था और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सभी जगह पे बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए थे और बहुत कुछ था। और इसके बाद जो रूम में हम एंटर हुए थे वहाँ पे भी पूरा ये जो काम आप लोग देख सकते हो पूरा, यहाँ पे भी सब कुछ, कोई सी जो कहानियाँ हैं या कुछ जो भी है वो अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है। सो अगर हम गाइड के साथ आते हैं तो हमें वो सब अच्छे से समझने को मिलता है। सो यहाँ आते ही हमें एक ओपन जगह मिल रही है, आप लोग देख सकते हो बहुत से लोग यहाँ पे खड़े फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमें बालकनी जैसा मिल रहा है जहाँ से हम सब कुछ नीचे का जो व्यू है वो भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे कहा जाता है कि राजा जो थे वो हुक्का पीते थे। और यहाँ पे नीचे एक चेस जैसा बना हुआ है जहाँ पे वो लोग शतरंज खेलते थे। सो या ये वो जगह है और बहुत ही सुंदर सा ब्लू कलर है यहाँ का, जो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और यहाँ पे सब कुछ आप लोग देख सकते हो अच्छे से, बाहर से भी बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पे थोड़ा वॉक करने का है जहाँ पे राइट साइड में हमें बहुत सारे ऐसे मिरर के वर्क्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से भी बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से भी आपको पूरी सिटी दिखेगी। सो ये बहुत ही अच्छा व्यू था। और देन यहाँ से थोड़ा वॉक करने के बाद हमें जो चीज़ें दिखेगी वो बहुत ही पुराने टाइम की चीज़ें है, जैसे कि पुराने टाइम के जो चेयर्स है, टेबल है, और वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ रख रखा है जो पहले राजा लोग यूज़ करते थे। सो देन ये जो जगह है वहाँ पे जो नृत्य होता था वो होता था। और यहाँ पे ऊपर जो हमें खिड़कियाँ दिखती है वहाँ से रानी, और राइट साइड में एक था बना हुआ वहाँ से राजा लोग यहाँ पे जो भी नृत्य होता था वो देखते थे, ऐसा कहा जाता है। सो ये सभी जो पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है गाइस देखने में। सच में आप लोग देख सकते हो पूरा व्यू कितना सुंदर है। देन यहाँ पे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने डोली देखी। सो आप लोग ने देखा साइड में थी। और देन यहाँ पर हम एक कमरे में आए जहाँ पे यहाँ पे जो राजा थे वो जो गेम्स खेलते थे वो रखा हुआ था। देन यहाँ पे सब कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें थी। देन ये जो आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखा है उसे बोलते हैं अंगरखा।
और देन यहाँ पे आगे जाने के बाद सब शॉल और वो सब हमें दिखा जो बहुत ही पुराना था। और गाइस इस जगह पे कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदल गया था। आई मीन टू से कि 5:30 बजे पैलेस बंद हो जाता था और वो सब चीज़ें थी, तो उसकी वजह से शायद कुछ छूट भी गया हो देखने में, ऐसा हो सकता है क्योंकि टाइम लिमिट थी और पूरी सिटी जो है वो 8 बजे बंद हो जाती थी। सो उस अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ रहा था, इसलिए बट अपने आप ही सब देख लिया। सो या यहाँ पर हम महल से बाहर सिटी पैलेस से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे ब्यूटी बाय एकता आ रही है विथ निबी और यहाँ निबी और ब्यूटी बाय एकता एक साथ एक सरखी हाइट के साथ। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और लास्ट व्लॉग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। सो अब मैं आगे से अच्छे से व्लॉग एडिट करूँगी और कोई भी भूल ना हो उसका ध्यान रखूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।